राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज मुरादाबाद के सभी मूल्यांकन केंद्रों पर बहिष्कार किया गया। वाराणसी के राजकीय हाई स्कूल मऊ गांव के शिक्षक धर्मेंद्र कुमार की हत्या के विरोध में आज जीजी हिंदू इंटर कॉलेज हैबिट, मुस्लिम इंटर कॉलेज, आर्य इंटर कॉलेज, महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज आदि सभी जगह मूल्यांकन कार्य का सभी संगठनों ने बहिष्कार किया। जीजी हिंदू इंटर कॉलेज में डॉक्टर अनुज अग्रवाल ने बताया कि प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं के नामांकन का बहिष्कार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि मृतक की पत्नी को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा, राजकीय शिक्षकों की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन को ट्रेको में पहुंचने में ड्यूटी न लगाई जाए तथा राजकीय हाई स्कूल का नाम स्वर्गीय धर्मेंद्र कुमार राजकीय हाई स्कूल किया जाना तथा धर्मेंद्र कुमार जी के पूर्व वेतन को उनकी पत्नी को पेंशन के रूप में दिए जाने की मांग शासन से की गई है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा बहिष्कार जारी रहेगा। इस मौके पर राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अचल त्यागी, डॉक्टर अनुज अग्रवाल, विमी रस्तोगी, स्वदेश कुमारी, डॉक्टर सुनीत गिरी, सुरेंद्र वर्मा, सोनल, रीना तोमर, मनोज कुमार, अरुण पाल, अर्चना जैसल, हेमंत शर्मा, साथ ही मेहताब आलम, सिद्धार्थ वर्मा, प्रतिभा गुप्ता आदि शिक्षक मौजूद रहे। देखिए, आज प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में मूल्यांकन का बहिष्कार किया जा रहा है और ये बहिष्कार किस कारण से है, हमारे एक सम्मानित साथी धर्मेंद्र कुमार जी जो कि राजकीय हाई स्कूल महगांव वाराणसी में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए जो बंडल ट्रक के माध्यम से ले जाए जाते हैं उसमें उनकी ड्यूटी लगाई गई थी और मुजफ्फरनगर में साथ में जा रहे उनके एक सिपाही ने उनका मर्डर कर दिया, उनकी हत्या हो गई। तो उनको न्याय दिलाने के लिए ये प्रदेशव्यापी आंदोलन है, इसमें राजकीय शिक्षक संघ की भी मांगे हैं और उन मांगों को लेकर हम आंदोलनरत हैं। पर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई तो क्या करेंगे आगे? निश्चित रूप से आगे का जो हमारा नेतृत्व है, जो प्रांतीय नेतृत्व है, उसके निर्देशन पर हम आगे भी एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे और साथी शिक्षक को न्याय दिलाने के लिए सभी साथी प्रतिबद्ध हैं।